صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غمٍ مغرقٌ فزيادي ساحلا ناش قالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب بابا جبران جی پاک کرو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سب لوگ چیخنے نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين پڑھو یار اے دھیان میرا کرا دلی ایکدم ریت کے درود پڑھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا امام الانبیاء والمرسلین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا سارے جہاناں دا خالق مالک و رازق ہے ان گنت لا تعداد بے حد حمد و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت کے بے حد درود و ثنا علی مرتبت قابل صد احترام زی احتشام علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام انہوں کو تھوڑی آواز بند ہو سکتی ویلیو چپ کر کے بیٹھ جاؤ تسی بھی بولو نا کوئی بندے کسی کی آواز نہ آئے خاموشیاں لا کے بیٹھو جتنے جگہ ملتی کہڑا چاہ لے کے لگا پھر انہوں کہے کوئی نہیں مر چلا بغیر چاہ تو بہ جا لے بہ جو بابا جی تسی کوئی نہیں کسی نے چاہ پیان دی لوڑے کٹا آرام نہ کر لو بعد سارے چاہ پیان دے جائے خاموش ہو جو دروشی پڑھو السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین برادران اسلام اجتا پروگرام بسلسلہ اس سے پاک
जनाबे पीरे तरीकत राहबरे शरीयत जनाबे हजरत पीर सैयद बरकत अली शाह साहिब बुखारी कादरी कलंदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और पीरे तरीकत राहबरे शरीयत जनाबे पीर सैयद बाबा हैदर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखारी कादरी कलंदरी उन्होंने दर्जात की बुलंदी और उन्होंने खराज अकीदत पेश करने वास्ते अज दे उस मुबारक का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिहड़ा कि हर साल मुनक्किद हुंदा है माशाल्लाह और बड़े ही दरवेश सैयद पीरे तरीकत राबरे शरीयत साहबजादा वाला शान जनाबे हजरत साहबजादा पीर सैयद कैसर बादशाह साहब बुखारी कादरी कलंदरी आस्थाना लिया गजन शरीफ वो मुनक्किद करवाते हैं तमाम अकीदतमंद मुरीदीन मुहब्बत करने वाले दूर दराज तो सफर करते हैं। मैं दुआ करना अल्लाह पाक हर आने वाले दिन नेक मुराद पूरी फरमाए। अल्लाह पाक साहब उदस्ता सदका अल्लाह पाक उन्होंने हर मुश्किल आसान फरमाए और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अता फरमाए सानू नबी ते नबी की निस्बत मुकायम रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हुण मैं बिला तमहीद अपनी गुफ्तगु शुरू करना, उम्मीद है तुसी तवज्जो और गौर नाल समाप्त करोगे। मैनू ये भी अंदाजा है कि पिंड थाएं सादगी भी ज्यादा है, ठंड भी अज दी वध गई है, तो कोशिश करांगा कि सादी तो सादी जुबान च गुफ्तगु करा ताकि तुसी मेरी गल समझ भी लवो, तो जो समझ आ जाए तो अगो बोल भी पवो। तो बोलना इंज ही है जिमें हूँ बोलियो जिमें आ दरवेश बोलिया कि तुहाडे 500 बंदा बैठा है, उहदे नाल तुहाडे इहदे कल्ले दी आवाज़ चुकी। इस वजह तो मुहब्बत नाल ब्याह जे मूँह तो बेशक मूँह ला दियो, एड्डी भी ठंड नहीं कि जिहड़ी अंदर वड़ जानी है, मूँह तो कपड़ा ला दियो। अल्लाह जुबान दित्ती है तो उहदा जिक्र करना चाहिए। तो बरादराने इस्लाम जो गुफ्तगु अच्छा छड़ेगा तो चलने ना अच्छा पी भी जाने तो नाल पंजे ले जाने तो अरज करना चाहूँ हमेशा बह भी जाना तकरीर बस हूँ जो मैं आखा तो उदो बोलने। तो बरादरान इस्लाम तवज्जो है, सामने बंदा बैठे जी कोई नहीं, जेड़े मैं कुराने करीम पढ़े उहदा तर्जुमा करां, जेड़े अल्फाज पढ़े मैं जेड़ी आया करीमा तुहाडे सामने पढ़ी है, क्योंकि सादात का उरस है और यकीनन सैयदजादे भी मुंतजमीन ने और सादात दे नाल उंज ही मुहब्बत करना इबादत सही। इस हवाले नाल ही मैं कुराने करीम चो चंद अल्फाज पढ़े ने, उहदा तर्जुमा सुनो तो फिर मैं अगली गल करना। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्तुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। रब ने फरमाया कमली वालिया सोनिया, मैं रब ने इरादा फरमाया सोनिया तुहाडी अहले बैत कोलो सारियां गंदगियां ते निजासतां दूर कर देवां, उन्हें पाक करांगा, ना सिर्फ पाक करांगा बल्कि रब ने फरमाया वयुतहिरकुम तत्हीरा, पाक करन दा हक अदा करांगा। मैं अपनी गुफ्तगु अपने अकीदे दा इज़हार शुरू करना। अहले सुन्नत वल जमात दा अकीदा है कि जिस बंदे नूं जो भी मिले और जदों भी मिले ते जिन्ना भी मिले वो इज्जत मिले, वकार मिले, शोहरत मिले, माल मिले, दौलत मिले, पैसा मिले, सेहत मिले, जवानी मिले, औलाद मिले, आसानी मिले, हत्ता के जान मिले, ईमान भी मिले, ते देन वाला रब मिले आ मेरे नबी दा सदका है। देन वाला उच्ची बोलो, देन वाला रब वाहदहू ला शरीक है, ते मिलिया मेरे कमली वाले दा सदका। असी समझने साडा अकीदा सुनिया का ये कि जिन्हों मिलता है मेरे नबी की निस्बत वसीले और नबी के सदके मिलता है। रब ने जिन्हों जो भी अता फरमाता है ये मेरे रब की मुहब्बत है। रब किसी शय का मुहताज या मजबूर नहीं, मगर मेरे अल्लाह वाहदहु ला शरीक ने कायनात भी बनाई तो नबी का सदका।
एक जो भी बनाया रब ने अपने नबी का सदका है, वो जो न थे तो कुछ न था। नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया गज्जन शरीफ। चलो अहबाब बैठो, तशरीफ रखो। अगे मैं ऐलान कर चुके हैं कि सादात दा उरस है ते पीरे तरीकत राहबरे शरीयत उनका मेहमान है। पीरे तरीकत राहबरे शरीयत सैयदु सादात ते मेरे यार दरवेश सैयद जनाबे हजरत साहबजादा पीर सैयद कैसर बादशाह साहब बुखारी कादरी कलंदरी मद्दा जिला उदाली तशरीफ लैने और सादात की बारगाह इखराज अकीदत है सैयदां दा यूरस है। उस हवाले नाल ही मैं चंद अल्फाज तिलावत किए ने, किबला पीर साहब भी तशरीफ लै हुए ने। तो हुण मैं दोबारा अपनी गुफ्तगू का आगाज कर लगा कि अहले सुन्नत दा अकीदा है वे जिन्हों जो मिले है जदों मिले है जिन्ना मिले है देन वाला अल्लाह है मिलिया मेरे नबी दा सदका है। ये साडा अकीदा है। असी समझने हैं कि रब दी बारगाह च मकाम मिले, शान मिले, रिफत मिले, इज्जत मिले, ओदा कुरब मिलता है, विलायत भी मिलती है, ते नबी दा सदका मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निस्बत दी वजह तो, नबी दे नाल गुलामी दे रिश्ते दी वजह तो, नबी दे कलमे दी बरकत दी वजह तो, इत्तबाए रसूल ते अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वजह तो, नबी नाल मुहब्बत ना होवे ते किसे इबादत दा कोई नफा नहीं। साढ़े कुछ बेली वे समझते नहीं कि जनाब तुसी जड़ी गल कर दे निस्बत मुस्तफा ताल्लुक मुस्तफा वसीला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते ने नहीं तल्लक निस्बत ये वसीला कम नहीं आना बल्कि रब की बारगाह च मकाम इज्जत शान ते कुरब ते विलायत मिलती है ते इबादत की वजह सजदे दी वजह तो कयाम दी वजह तो हज जकात ते कुरान दी तिलावत दी वजह तो नफलो नवाफल ते इबादत गुजारी दी वजह तो मकाम मिलता है। मैं बैसीयत अहले सुन्नत वल जमात एदा इनकार नहीं करता, बिल्कुल मैं इकरार करना पिया कि रब दी बारगाह च शान नमाज दी वजह तो मिलदी है। रब दी बारगाह च नफलो नवाफल पढ़िए ते अल्लाह दा कुर्ब हासिल है हुंदा है, हज करिए ते बड़ी शान मिलदी है बड़ा मकाम मिलदा है, मगर याद रखिया जी ए भी ओनू मिलदा है जिहदे कोल पहला नबी दी निस्बत हो। असी हां निस्बत वाले लोग, असी कौन आ निस्बत वाले लोग आ। नमाज दा नफा भी ओनू है जिहदे कोल निस्बत मुस्तफा हो, हज दा नफा भी ओनू है जिहदे कोल निस्बत मुस्तफा होवे ताल्लुक मुस्तफा होवे गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जे नबी नाल ताल्लुक नहीं ते काबे दे अंदर इबादत करे ते नफा नहीं मिलदा। मगर बेली कहंदे ने नहीं जी शाह जी सानू ते ए इबादत ही है निस्बत मुस्तफा ताल्लुक मुस्तफा कम नहीं आंदा। फिर मैं बड़ी सादी जी गल करांगा, याद रखना जेड़ा बंदा कहंदा जी इबादत ही नफा देंदी है नबी दा ताल्लुक और निस्बत नौज बिल्ला एदे च नफा नहीं मिलदा, ओनू ये पूछो। मैं नबी दी हदीस सुनाना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा हज करके आवे काबे दी ज़ियारत करे काबे दा तवाफ करे हजरे असवद नु चुमदा होवे सफा मरवा ते दौड़ के आवे मकाम इब्राहिम ते नफल पढ़ के आवे हज करके फरमाया वापस जो आंदा है तो मेरा रब उहदे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दे, कोई उहदे जिम्मे गुनाह नहीं। वो इंज हुंदा है जिवें मां दे पेट विचों अज निकलिया है। काबे दी ज़ियारत गुनाहां दा कफारा है, काबे नूं वेखना इबादत है, गुनाह खत्म हुंदे ने। लेकिन मेरा सवाल है यकीनन नबी ने सच फरमाया, नबी दी गल झूठ हो ही नहीं सकदी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया काबे दी ज़ियारत इबादत है, मगर मैं सवाल है करना वा क्या अबू जाल काबा नहीं सी वेंदा? बोलो क्या अबू लाब ने काबा नहीं सी वेख्या?
क्या उत्बा शैबा वलीद उमैया मक्के दे काफिर किथे बैंदे सन काबे दे विच बैंदे सन का हतीम में काबे तकिए लगे हुंदे सन ते काबे दे विच बह के अपनी परे ते पंचायतां लांदे सन ते फैसले करदे सन काबे दा तवाफ भी करदे सन काबे दा एहतराम भी करदे सन ते काबे दी ज़ियारत भी करदे सन मगर क्या एक मक्के दे काफर ते मुशरक नूं ओ काबे दे ज़ियारत ने नफा दित्ता बोलो क्या ओ जिन्नी मर्जी काबे दा तवाफ करन क्या काबे दा तवाफ करके अबू लहब पाक हो गए मौलाना नूं पुछो मौलाना जे काबे दी तवाफ ही पाक करदा हुंदा ना ते उतबा शैबा वलीद उमैया अबू जहल अबू लहब भी पाक हो जांदे ए मक्के रह के पाक नहीं हो सके उधर हबश विच आउण वाला बिलाल पाक हो गया ओ हबश विच आउण वाला बिलाल पाक हो गया ए मक्के रह के पाक नहीं हो सके नमाज पढ़ना रब दी बारगाह च कुरब मिलता है कुरान दी तिलावत करिए ते सवाब हुंदा है गुनाह खत्म हुंदे रोजे रखे रब बड़ा अजर दिंदा है मगर मदीना तैयबा च रहन वाला मदीना तैयबा मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने वाला दाढ़ी भी रखी है पग भी बननी है नमाज भी पढ़ता है पग भी बनता है रोजा भी रखता है काबे दा इहतराम भी करदा है सब कुछ करदा है मगर मदीने दे विच रह के ओ अब्दुल्ला बिन उबई पलीत दा पलीत है उधर यमन दे जंगलां विच मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा उतारिया सैयद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ते मौला कायनात हैदर करार नु बुलाया बुला के मेरे नबी ने जुब्बा अता फरमाया फरमाया यमन दे जंगलां करण दा इलाका है ते ओथे इक मेरा गुलाम जे जिदा ना अवैसे करनी है जाके मेरा जुब्बा तोहफा दे आ दे ते जाके आख्या जी अवैस सोने नबी ने फरमाया मेरी उम्मत वास्ते दुआ कर यमन दे जंगलां विच इन्ना रब दी बारगाह च मकाम है कि दुआ रब दी बारगाह च करे ते दुआ मंगवांदे नबियां दे सरदार ने तरतीब नारे दी याद रख लो नारा तकबीर नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी अगो पहुंच जी का मर्जी मार छड़िया तकबीर तो शुरू करिया जे अर्ध चो नहीं मारना जो तो कदी कदी बंदा उस रस्ते आवे ना तो यही याद हुंदा है रोज जुमा पढ़ता होवे तो तो बरादरान इस्लाम है तवज्जो ओ मदीने तक मदीने तजबा च रह के पाक नहीं ओ यमन दे जंगलां च पाक भी है ते दुआ नबी मंगवांदा पिया ते रब दी बारगाह च मकाम एवे रब ओदी दुआ भी मोड़दा ही नहीं वजह की वजह एवे ए मदीने रह के सीने च नबी दी मुहब्बत नहीं रख सके ओ यमन दे जंगलां विच मेरे नबी नाल प्यार करदा है ते फिर पता ते लग गया ना असल वजह रब दी बारगाह पहली फजीलत इबादत नहीं पहली फजीलत मेरे नबी नाल मोहब्बत मेरे नबी दी निस्बत है मेरे नबी दा ताल्लुक है जे नबी नाल ताल्लुक ना होवे ते काबा भी नफा नहीं देंदा फिर याद रखिया जे कोई फायदा नहीं जितनी मर्जी इबादत कर लवे जितनी मर्जी सजदे कर लवे जितनी मर्जी रियाजत कर लवे फिर जिन जो मर्जी करता रहे ओए तुम्मे कदी तरबूज नहीं बनदे सुल्तानुल आरिफीन फरमांदे ना पै तुम्मे कदी अब बोल पवो जरा उच्ची बोलो तुम्मे कदी ते गूंगे कदी बोल नहीं सकते तुम्हें कभी चलो मैं उंज पढ़ देना जे इंज नहीं तुम समझ आउंदी हजरत सुल्तानुल आरिफीन वेली उन गल नहीं करनी ऐ मेरे मुड़े दा ध्यान मेरे पे ना पुत्र उन गल नहीं करनी सईदा दे डेरे ते आई जा ते अदब पैदा करीना है मोहब्बत के करीना तो हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह फरमांदे ने पै जो मर्जी करदा है मक्के च दफा मिलदा हुंदा ना ते अबू जहल नूं भी मिल जांदा मगर मक्के दा नफा भी ओनू मिलदा जिदे सीने च मेरे नबी दा प्यार हो हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमांदे ने पै तुम्मे कदी
जितनी मर्जी इबादत करे काबे फिरदा रवे काबे दी ज़ियारत करदा रवे काबे दे सामने झुकदा रवे जे मेरे लजपाल नबी नाल निस्बत ना होवे नबी नाल तल्लुक ना होवे रब दी इज्जत दी कसम काबे दी ज़ियारत भी नफा नहीं देंदी मिलके मेरे नाल आखो ओए तुमने कदी तरबू मेरे नाम बोलना है तुमने कभी तरबूज नहीं बन दे पावे तोड़ मके ले जाइए बड़ी फजीलत है नफरत ना फलदा बड़ा मकाम है ताड़ी मेरे नबी की सुन्नत है पग पड़ना मेरे नबी की
ਜਿਹੜਾ ਪੁਗਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁਗਜ ਵਾਲਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ नफा नहीं मिलता, नफा उन्हें मिलता है जिसे सीने से मेरी सरकार दी मोहब्बत हो, कमली वाले की निस्बत का एहतराम हो, तो निरीह सजदे नमाज की आंदे में असी ते निस्बत दे कायल हैं। शादी है तो सुल्तानुल आरिफीन का शेर पढ़े है, कोई दलील मैं क्या अहले सुन्नत की दलील अल्लाह का कुरान सुभान अल्लाह। शाह जी किथे लिखे कुरान अंदर मैं जड़ी आयत करीमा पढ़ी मेरे रब ने फरमाई नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अंकुमुर रिज़्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। रब ने फरमाया मैं निजास अहले बैत को दूर कर दितिया ते उन्हां नूं पाक कीता, ना सिर्फ पाक बल्कि पाक करन दा हक अदा कीता। उन्हें मौलाना नूं पुछो मौलाना कि जड़ी अहले बैत नूं ये शान मिली है, जड़ी तहारत इज्जत ते वकार मिली है, एदी वजह क्या अहले बैत रसूल दियां नमाज़ां ने, क्या उन्होंने सजदे ने, उन्होंने तिलावतां ने। याद रखना साडा कीता है वे मेरे नबी पाक सल्लम दे घर वालियां दा एक सजदा। बड़े ध्यान नाल गल सुनिया जी, मेरे नबी पाक दे घर वालियां दा किन्ने कदी नहीं कीता, भी बोलते बरादरान इस्लाम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक फर्द दा एक सजदा साडा कीता है वे उम्मत दे सारे सजदियां नालों अलग है। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨ आप पूरा मुलक मुरीदन फिर उन्होंने मुरीदन सिर्फ इतनी सद ले। मैं तो कभी शहर जाओ ना बड़े शहर लाहौर जाओ इस्लामाबाद फैसलाबाद तो उथे जो जाइए ना गड्डी चलाइए तो बत्तियां किनियां लगी होंगी, तीन तीन रंगा दी, एक हुंदी है लाल एक हुंदी है पीली ते एक थल्ले केड़ी हुंदी है सबज। पता जे जो तो लाल बत्ती बलदी होवे ते गड्डी टोर लैंदी है, क्यों खलार एक्सीडेंट हो सकता है उथे गड्डी नहीं तो ठीक है, तो जे खट्टी होवे ते पीली होवे ते फिर क्या करना, फिर तैयारी कर लो स्टार्ट कर लो गियर च पा लो ते जदो हरी होवे ते मोड़ फिर पजा कड्डो। इंज गल जदो बंदा मिंबर ते बैठा होवे ना अगले बंदियां दा मुंह वेंदा इहदा लाल है कि हरा है, जे ते मुंह अग्गे होवे ना लाल ते फिर तकरीर नहीं टुरदी। गल समझे हो, फिर तकरीर नहीं टुरदी, मुंह अग्गे हरा हरा दिसे ना ते तकरीर फिर टुरदी। ते जे भाईया गुस्से च बैठे हो ते मैं एडा भी लंगर नहीं खा बैठा कि तुसां को साडा मुका छड्डा, मैं पीर मोहसिन शाह नूं पुछ लो बस मैं अपने जिन्ने खाधा है ते उंज मुकदा ते नहीं पवे जिन्ना मर्जी राज राज खाओ, ते जे ते मैं तुहाडा लंगर खाधा ते बेशक ना बोलो, जे मैं तुहाडे जलेब खो लैणी ते तां वी ना बोलो, ते जे मैं खोया वी कुछ नहीं तुहानू तुहाडे लजपाल नबी ते आल दा जिक्र सुनाना पिया ते सुभान अल्लाह मुण मैं तरलिया ना लैणी तुहाडे कोल आखो सुभान अल्लाह। जेड़ा हाले भी नहीं आंदा ना उहदी चुप ते वी आखो सुभान अल्लाह। खब्बे सजे वेख्या जे केड़ा बंदा जेड़ा रब दी पाकी भी बयान नहीं करदा आखो सुभान अल्लाह। इंज बवो हरे हरे ब्याह करो। अर्ज करना पिया मौलाना नु पुछो मौलाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत वजह तहारत और फजीलत उन्हां दी इबादतां ने उन्हां दे सजदे उन्हां दी रियासतां उन्हां दे नफल और नवाफल उन्हां दा कुरान दा पढ़ना
याद रखिया जे मैं पहला अकीदा वजाहत कर दिती है नबी पाक सल्लम दे अहले बैत दे एक फर्द दा एक सजदा उम्मत दे सारे सजदिया नालों उच्ची बोलो सारे सजदिया नालों अफजल आला है मगर उन्हें दी फजीलत सजदा दी बाद वेचे या लेना नू पाक कीता क्यों ये मेरे बुलाल मेरा नू फजीलत देनी क्यों दिती आ इन्हें दी शान देना दा मकाम बच है तहारत क्या ना दिया निमाजा इन्हें दे रोजे इन्हें दे हाथ मेरे बेगु किला ने फरमाया नहीं मैं देना दे इबादत दा जिक्र नहीं कीता अल्लाह दा कुरान दा बेबे मैं तिलावत कर देना रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इन्नमा युरीदुल मेरे रब ने फरमाया मैं तेरी इरादा कर लिया ए मदीने दिया ताजदारा तेरी अहले बैत को लो सारिया निजास्ता दूर कर देंगा या लैदी वजह की है तहारत की वजह फरमाया याद रखना जड़ी कुरान ने बयान की थी है फरमाया मैं ता पाक की ता मेरे नबी दी अहले बैत मेरे नबी दी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਸਾਬਿਕੂਨ ਅਲਵਲੂਨ ਮਿਨ ਅਲਮੁਹਾਜਰੀਨ ਵਲ ਅਨਸਾਰ ਬੱਲਜ਼ੀ ਨਤਬਉਹੁਮ ਬੇਸਾਰ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਵਰਦੂਵਨ मौलवी ने दिता लकब नहीं ए मुफ्ती ने नहीं लिखा मेरे अल्लाह ने कुरान में रदी अल्लाह अल्लाह फरमांदा मैं नबी दे सहाबा ते राजी नबी दे सहाबा ते राजी या अल्लाह राजी क्यों है या अल्लाह क्यों राजी हो क्या नौज बिल्ला नबी दे सहाबी मासूम ने सुनो ए भी अहले सुन्नत दा कीदा साडा कीदा अंबिया मासूम ने اصحاب اولیاء جڑے نے نا اے محفوظ ان الخطا ہو سکدے نہیں معصوم نہیں گل سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ معصوم نہیں محفوظ نہیں یا اللہ کوئی نہ تے راضی ہے فرمایا راضی یا اللہ انہاں کول جڑی خطاواں ہوندیاں کیونکہ سی بھی بڑا رول ہے فلاں صحابی نے انج کیتا 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 یا اللہ جڑے گلاں سانوں مولوی دسدے نے یا اللہ خطاواں فرمایا مولوی نوں تے بعد چ پتہ لگا مینوں اُتوں پہلاں دا پتہ سبحان اللہ یا اللہ جے نبی دے صحابی کولوں خطا ہو جائے فرمایا میں انہاں دے خطاواں دا ذکر ہی نہیں کیتا میں تے اپنی رضا دا ذکر کیتا ہے اوے نبی دے اصحاب سے خطا ہو بھی جائے رب فرماتا ہے رضی اللہ میں ان سے راضی رہتا ہوں پتہ یہ چلا اوے اللہ نبی کے صحابہ کی خطاؤں کو نہیں دیکھتا ان کی مصطفیٰ سے وفاؤں کو دیکھتا انہاں دی نبی نال وفاواں ملدا ہے جے رب کسے نو خطا تے پھڑن تے آ جائے نا تے اللہ پاک دی قسمیں بچنا کسے بھی किसे नहीं बचना ए अल्लाह दी रहमत ते मेरे अल्लाह दा फजल नाल बचया अपने अमल नाल नहीं जे किसे बचना अदल करे थर थर कंपने कोई उचिया शाना वाले कोई फजल करे शाना वा आले
ਉਹਦੇ ਅਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲ ਪੋ ਯਾ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲ ਪੋ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਬਹੋ ਲੋਕ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਤੋ ਬੜਾ ਬੜਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਵਜਾ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕਾਤ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਆਬੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਆਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨੇ ਜੁਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਸਿਆਬੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮੇ ਅਮਾਲ ਚ ਹਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮੇ ਅਮਾਲ ਚ ਜ਼ਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਸਿਆਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਆਬੀ ਹਾਲੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮਦੀਨਾ ਤਜਬਾ ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਮਦੀਨਾ ਤਜਬਾ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗ ਪਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਫਲ ਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਿਸਾਰ ਹੋ ਗਏ ਓਏ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਸਿਆਬੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਸਾਜਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸਿਆਬੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਕਾਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਕਾਮ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਲੁਕ ਕਿਸੇ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਹਾਬੀਅਤ ਦਾ ਤਲੁਕ ਕਿਸੇ ਸਜਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਹਾਬੀਅਤ ਦਾ ਤਲੁਕ ਹਜ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਮਾਨ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਨੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਹੋਵੇ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਰਸੂਲ ਹੋਵਣ ਅਜਦਾਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਤਬਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਮ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਏ ਸਾਡਾ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਕੋਈ ਹਯਾਤੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆਖੋ ਕੋਈ ਹਯਾਤੀ ਕੋਈ ਹਯਾਤੀ
ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ईमान भी तू मैंनी सो मुसलात अजान भी तू मैंनी सो मुसलात अजान भी तू मैंनी हज नमाज़ा अते फर्ज फरीदे मैंना मसहब ते कुरान भी तू जे कर यार फरीद कबूल करे सरवर भी तू सुल्तान भी तू कोई हयाती दा मयार हो ना की मोहम्मद से वफा मोहम्मद से वफा कर तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं कोई हयाती दा मयार होना बल्कि मैं अल्लाह दा कुरान भी पढ़ना मेरे रब्बे जलाल ने फरमाया कुल इन कुल तुम तुहिबून अल्लाह फतबिउनी युहिबकुम अल्लाह रब ने नहीं फरमाई नहीं नमाज़ा पढ़ के नाल प्यार करांगा इने रोजे रख के प्यार करांगा या अल्लाह युहिबकुम अल्लाह दा ताज की नुमेंद है और मैं फतबिउनी जेड़ा मेरे नबी नाल प्यार कर मेरे नबी दी मोहब्बत होवे उस मोहब्बत अंदर जेड़ा इबादत करे कोई हयाती दा मयार होना कोई हयाती दा मयार होना कि कोई हयाती दा मयार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल मेरे नबी दी सुभान अल्लाह जी बोलो मेरे नबी दी सुभान अल्लाह निस्बत याद रखिया जे ए ते अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असी हर निस्बत ते मनन वाले जिदा तल्लक मेरे नबी नाल हो जाए अजवाजे रसूल होवे असी उन्हां नूं सलाम करदे सुभान अल्लाह असहाबे रसूल होण ते असी सलाम करने अज दादे रसूल ने सिता भी सलाम चका कमी दा काम की है असी कमी अल्लाह दी कसम है बल्कि मैं असी क्यों इंज करने हैं याद रखिया जे मेरे वालदे करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ताजदार अफजाबाद पीर से शबीर हुसैन शाहजाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने पंजाबी की गल सुनांदे हुंदे सन जे आखो तुम तुम सुना दे फरमाते हैं सन एक तेरे दम बदले नौकर सारे टब्बर टब्बर एक तेरे जिदा दम है वो बोल दो एक तेरे दम बदले नौकर सारे टब्बर मिसाल देने सन ताकि गल मसला समझ जाओ फरमाते सन बीबी कर दी है नका कलमा पढ़ के आंदी है कबूल कीता मालक मन लेंदी है मालक के नाल खर जांदी है डोलियो लेंदी है नस्ली होवे ना ते मालक दा दर नहीं छड़ी पर होवे नस्ली
होवे नस्ली होवे ते मालिक दा दर नहीं छड़दी, सारी जिंदगी ओ मालिक दे दर ते पहरा दिंदी। ते मालिक घर को नहीं हुंदा, ओ किते बाजार टुर जांदा है, भाई बीजी ते टुर जांदा है, कम ते टुर जांदा है, ओ घर बह के बाबे नूं जिहड़ा चाहवा बना के दिंदी रहिंदी। माई दियां खिदमतां करदी है, दियोरां नूं ते अपना परौंठे बना के दिंदी है, नाना भरजाइयां दी खिदमत आए गए चाह पानी पुछदी है, ओनूं पुछ तूं कमली ते नहीं, तू पागल ते नहीं, दीवानी ते नहीं, कि मालक तेरा घर कोई नहीं, ते खिदमतां बाबे दियां भी लत कर ली, माई दी लत एवें घुटनी है, इन मुंडियां नूं एवें परौंठे बना के देनी है, ए तेरे की लग रहे हैं। मेरे ते कुछ नहीं लगते, पर मेरा वसेबा ता हुंदा है, इन्हां दी खिदमत करां ते मालक राजी रहिंदा है, इन्हां दी खिदमत करां ते मालक राजी रहिंदा है। ए मेरे कुछ नहीं लगते, मगर मेरे मालक दा सब कुछ लगते ने, मैं बस नहीं तावा, ए बाबा राजी रवे, ए मेरा कुछ नहीं, मेरे मालक दा बाप है, ए मेरे मालक दी मां है, ए मेरे मालक दे भरा ने, ए मेरे मालक दीयां भैणां ने, ए मेरे मालक दे रिश्तेदार ने, ओ इन्हां दी खिदमत तां करनी आ, ओ इक तेरे दम बदले सारे टप्पर दी, इक तेरे दम बदले नौकर सारे टब्बर दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम है, सुनिया भी कलमा किसे चौधरी दा नहीं पढ़िया, सुनिया कलमा किसे भट्टी दे चट्ठे ते चीमे ते तारक ते वीर ते भरिया दा नहीं पढ़िया, सुनिया कलमा किसे मौलवी मुल्ला पीर मुफ्ती काजी ते वजीर ते मशीर ते सदर ते चौधरी ते नंबरदार दा नहीं पढ़िया, ओए सुनिया कलमा पढ़िया ते आमिना दे लाल दा पढ़िया है, सुनिया कलमा पढ़िया ते सैयदा सहरा सलामुल्ला ते बाबा दा पढ़िया है, हसनैन ते नानी दा कलमा पढ़िया है, ओए कलमा नबी दा पढ़िया ते नारे कदी अबू बकर दे, कदी उमरे फारूक दे, कदी उस्मान गनी दे, कदी अली अली कर दियो, कदी या हसन या हुसैन कर दियो, ओए असी आने आ, ओए इक तेरे दम बदले नौकर सारे टप्पर, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आस्तान आलिया कंचन चली, असी ते तां सारे कदी अजवाजे रसूल नूं सलाम च करदे, कदी अजदादे रसूल नूं सलाम करने, कदी असाबे रसूल नूं करने, कदी औलादे रसूल दे नारे मारने, असी क्यों करने आ सोना इक तेरे दम बदले, जिहदा तल्लक लजपाल नबी नाल होवे, असी कम्मी रसूल दे आ ते नबी दी आल दी आ, असी निस्बत दा इहतराम करने आ, इह ते आल असाब अजवाज औलाद है ना, रब दी इज्जत दी कसम है, जिथों सोना लंघ जांदा असी तो थां नाल भी प्यार करने आ, असी तो ना रावां ते थावां नूं भी चुमने आ जिथों इक वारी सरकार लंघ जांदी, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀ ਫਤੋ ਸਦੀ ਕਹਿ ਜਾਏ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀ ਜਿੱਥੇ
याद रखिया जी, हर बंदे नु हुक्म है बे गंदगी दे नेड़े ना जाई, पलीती दे नेड़े ना जाई, वरना कपड़े नु लग गई ते कपड़े पलीत, जिस्म नु लग गई ते जे दिल विच टुट गई ओ दिल भी बचाई रखिया जी। याद रखना सानू हुक्म है बे पलीती दे नेड़े, मगर शाने अहले बैत दे वे रब ने नहीं आख्या पलीती दे नेड़े ना जा दे, फरमाया लियो जही बान को नु रिजसा, रब अंदर मैं पलीती नु आख्या तू नहीं जाना, सुभान अल्लाह, इत्थे सानू अंदर तुसी ना जा दे, ओथे रब पलीती नु ढकया, खबरदार मेरे नबी दे घर वालों दे नेड़े ना जा, घर वालों दे नेड़े ना जा। आ जिहड़ा लफ्ज़ है ना इन्ना मा, इहनू कहिंदे ने कलमा हसर, की आंदे ने हसर, हसद नहीं हसर, स्वाद ना ते रे हसार, हसार मैं तुहानू गल समझाना चाहवां ना, ते ऐ चार दीवारी जिहनू किसे शहर नू बंद करता जाए ना चार दीवारी च, ओह कहिंदे जी हसार हो गया, इहदे हुण अंदर कोई नहीं जा सकदा। या कदी वेख्या जे अपीर किला छिला कटदे ने ना, मैं तो इन्हों का जी कुटिया वेखी मन ना स्वाद आ गया, सही गल मेरा अपना दिल कर पाया यही चुक के लै जाए, तो योग थे इन्होंने आखो कोई इतने बनवा जाओ, दो दिन मेरे को रवो, यकीन करो अग बलती पई उत्ते जनाब मिनी मिनी खुशबू भी आँदी, सैयद बैठा उत्ते दरवेशां, ईमानदारी की गल है ड्रैंग रूमा चो स्वाद नहीं सी जिहड़ा मैनूं उत्थे, असल चीज यही जे इहदे च मुहब्बत भी है, इहदे च सादगी भी है, ते इहदे च नफा भी है, सुभान अल्लाह। तो बस करते ना मशायख उलमा पीर चिल्ला कटदे ने, की करदे ने चिल्ला कटदे ने, तो लैके ना कानां च टीला ते इंज दायरा मार के जो अंदर खलो जांदे, वो दायरा टुटी जांदे ने हसार, जे अल्लाह दा बली आलमे दीन शेखे तरीकत पीरे तरीकत इंज दायरा मार के आखे भी मैं दे अंदर हूं बाहर पलीती नहीं आ सकती, कोई जिन कोई चिल्ला हुंदा, कोई शैतान कोई जिन कोई निजासत अंदर नहीं आ सकदी, क्योंकि मैं कलामे इलाही पढ़ना, ते जे कलामे इलाही पढ़न वाले दा मकाम ए वे ओ हसार मार छड़े ते जिन भूत नहीं आउंदा, ते जिनू हसार रब मारदा इन्नमा, रब आंदा मैं हसार मारता ओए चुम्मा पासियो, कोई पलीती नबी ते नबी दे घर वाले दे नेड़े जा ही नहीं सकदी, पता लगा मेरे नबी दे जेड़ा घर आया वो भी पाक है, जिदे वल नबी तुर गए वो भी पाक है, सामीने जी वगैरह करना पे याद रखिया जे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ने इंज हसार मार दिता, खबरदार कोई इन्होंने नेड़े कोई निजासत कोई पलीती नहीं जा सकती, कोई गंदगी नहीं जा सकती, बल्कि नाल ये कह दिता लोगों याद रखिया जे इन्हें पाक ही नहीं बल्कि पाक करन वाले भी नहीं, सिर्फ पाक ही नहीं वायु तहीरा कुंदत हीरा, ये सिर्फ पाक ही नहीं पाक करने वाले ने, जिहड़ा बंदा पाक होना चाहता है वो जिहड़ा मेरे नबी दी आल दा गुलाम बन जाए, मेरे नबी दी गुलामी ते नबी दी आल दी गुलामी ने जा जाए, रब दी इज्जत जलाल दी कसम वो भावे जिन्निया भी निजासतां होवन मेरे नबी ते नबी दी आल नाल प्यार कर लै तेरियां सारियां निजासतां दूर हो जाणगियां, नूरी तेरा सब घराना
नूर का और जोर लगे अपने तेरी नस्ले पाक में है तेरी पाक में है तेरी। मैं शेर बाज पढ़ना एक गल सुना देना उस तो बाद मर्जी आप नहीं कर मेरे वालदे करीम नाम गया फरमान ने मैं कहना दादा साहब सलाम करना भूल गया उथे गया तुम पता दाता साहब बाहर निकल कवाली भी होंगी जिम्मे पीर भी कराई हो रही है ना जी कवाली तस्मेनू नहीं जा सकते हम जिन्हें अच्छा जो मैं सुनती है अच्छा बस ठीक है ये भी याद रख लिया कवाली ना शरीर का कुछ नहीं कई बंदे ना एवं तमाशा बनाया चिश्तिया सिलसिला बकायदा हूँ ख्वाजा मोइनुल चिश्ती अजमेरी तो वड्डा कवाली है पीर मेहरे अली तो वड्डा को है तो जो कवाली सुनते ने सानू की हुंदा है तो जरा दलेरी नाल छोड़ हाँ कलाम अच्छा होवे अंदाज अच्छा होवे ए ना होवे वुजू करके कवाल होवे चरस पी के ना बोले एक गल याद रखिया जे साडा बेड़ा गर्क कवाली ने नहीं कीता कवाला ने कीता कवाल होवे नाथ सरकार दी पढ़े रब दी अमल पढ़े औलिया अल्लाह दी अमलतां ते अहले बैत दे कसीदे पढ़े ते जनाब बाब वुजू बैठा होवे ते जनाब मजा आ जाए नशई ना होने ये अल्लाह सामने ना तो पना आता फरमाए तो अर्ज करना पया वो कवाली होंदी सी ना ते वो कवाल कवाली पै करन असा मदीने जाना है असा मदीने जाना है असा मदीने जाना है ते फरमांदे ने पीछे एक बंदा बैठा त्यो बोले ना ते हिली फरमांदे ने मैं कोल जाके मारिया ठुड्डा मैं कहा तू नहीं बोलदा आंदा जी जिन्ना मदीने जाना वो लगे ने बोलन मैं ते चाड़न आया हुण मैं तुहानू पुछ लैना तुसीं चाड़न आए हो कि जान आए हैं जिहड़ा जान है वो हथ करो हाले भी वेख लो जिहड़ा चाड़न आया थले कर लो ये वोटां दा वादा नहीं जे कि हां चौल इधरों ते वोट उधर उच्ची मेरे नाल नबी दी आल दा जिक्र करना है करोगे मिलके मेरे नाल आखो तेरी नस्ले पाक में है तेरी देखो केड़ा हाथ चुक के मुकरदा है प्यावे तेरी नस्ले ਸਾਨੀਏ ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿੰਤ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
سیدہ ام کلثوم بنت علی شاہ جی او بھی پاک میں کیا پھر پانچ تن تو کم اگے ودھ گیا ہے بدر جائے اولا پانچ تن پاک بالکل اسی مننے ہاں مگر ایتھے بس نہیں ہوندی ساڈا کیندے تیری نسلے پاک کی کہہ لے مولا حسن پاک مولا حسین پاک امام زین العابدین پاک امام باقر پاک امام جعفر صادق پاک امام موسیٰ کاظم پاک امام علی رضا امام محمد تقی امام علی نقی امام حسن عسکری اے نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام تیری نسلے نبی دی ساری نسلی سارے سیدی پاک نے تیری نسلیں پاک میں ہے تیری پاک میں ہے بچہ 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 نور کا میں کیا میں پھر آنا بچہ 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 شاہ جی یہ نور دا کیوں بن گیا من پھر اپنے بزرگاں نے گل یاد فرمایا سن جے سورج الو نام مننے تو الو دا پٹھا بھی نہیں مندا شاہ جی یہ سارے سید نور دے میں کیا میں تو نہیں آندا پیا اللہ حضرت کہہ دے تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور شاہ جی کل سمجھ نہیں آتی میں کہ چلو دلائل قرآن و سنت دے لہدا رکھو میں تینوں پوچھنا اگر میں تھانوں پوچھا تسی کا دے بنے ہو یہ مینوں یقین نہیں کیونکہ مٹی دا بت نہیں بولدا ہوں تو ایڈے ایڈے چینل کے کھلونے پہ بولتے ہیں چھ چھ بوٹے بندے نہیں تو بولتے پھر جی بندہ لاہور کراچی ہوئے نا تو چاہ پی پی کے مرے ہوں نے تو اسے پوری پوری بوری پی جانے ہالے بھی نہ بولو تو زیادتی ہے یار کا دے بنے ہو مولا نے پوچھو مولوی جی تھی کا دے ان پوچھو چیتنی کے نہیں لو جی میں گل کرنا وا اے ہزاراں دا اجتماع ہے پیر بھی بیٹھے نے تے علماء بھی ماشاءاللہ جمیع غفیر علماء دے جنہاں چر میں زندہ میں اپنی گل دا ذمہ دار ہاں یقینا نے تے پڑھے لکھے جنہاں میڈیکل پڑھیا ہویا ہے کوئی ایف ایس سی کوئی بائیو کیمسٹری جنہاں پڑھی ہے یا کوئی کمپاؤنڈر شپاؤنڈر کوئی ڈاکٹر ہو نہیں جیڑی میں گل کراں گا آخر دم تک دا ذمہ دار ہاں قرآن و سنت بھی یہی ہے میڈیکل میں انڈورس کرتا ہے کہ جدو انسان پیدا ہوتا ہے تو پانی کا قطرہ منتقل ہوتا ہے جمد ہے خون بنتا ہے لوکھڑا ہڈیاں گوشت بنتا ہے سات مہینے یا نو مہینے ماں دے بطن اندر میرا رب وہ صورت بنا ہے تو پیدا فرمائیں گے انجی ہے قرآن و سنت بھی یہی دس دے تے میڈیکل جڑے ڈاکٹر نے وہ بھی یہی دس دے کہ پانی دا قطرہ منتقل ہویا او دیاں کو حالتاں جمیا خون بنیا لوتھرا گوشت ہڈیاں تصویر اللہ پاک نے بنائی انسان پیدا ہویا کسے تھاں تے مٹی پئی ہے بولو پر کسے تھاں تے مٹی پئی ہے تے مٹی دے بنے کیویں جدو مٹی پئی نہیں ان تے نہیں نہ ہوندا کہ بچہ پیدا ہوئے تے کان کوئی نہ ہوئے تے ڈاکٹر کے لیاؤ مٹی ہونے بنانا کدی ان جو ہے مٹی پئی نہیں تے مٹی دے بنے کیویں تے مولوی صاحب ایک جواب دین میں تم پہلا دس دیا مولوی صاحب آ کے شاہ جی تھی چار کتاباں پڑھو تے تانوں لگ پتہ جائے کوئی یہ گل تہاڈی ٹھیک ہے کہ پانی دے قطرے تو اللہ پاک نے زندگی تے نمو تے ساری گروتھ ہوئی ہے جتنا پریگننسی دا یہ برتھ پروسیس ہے یہ گل تہاڈی ٹھیک ہے مگر تانوں یہ نہیں پتا کہ حضرت آدم علیہ السلام رب نے مٹی دا بنایا سی
मैं क्या जी मौलवी जी फेर ते शाह जी जो बाप दी असल होवे ना औलाद दी असल हुंदी सुभान अल्लाह गलत मसला हल हो गया जो तुम समझ आ गई हो जो बाप दी असल होवे औलाद दी असल हुंदी ये बाप मिट्टी दा ते औलाद ये ते नहीं ना हुंदा कि बाप चट्ठा होवे ते विचो पट्टी पे जम्मे ये सैदा नाल बड़ी ज्यादती हुई है ये मैं ते पीर किस दिन बैठ के मीटिंग करनी है मैं वेख्या जनाब बंदे बरादरियां नाल पिंदे ने लोहार किते टुट जांदे ने फलां ओ जनाब कोई मुगल बन गया कोई फलां बन गया कोई एतराज नहीं सानू डूम चंबड़ गया वो एक साल डूम हुंदे ने दूजे साल कुरैशी बनदे ने तीजे साल आजम बनदे ने अगो शाह जी ते फड़दे ही सही है ये सैदा नाल बड़ी ज्यादती अल्लाह वास्ते उन्होंने आखो इन ना करे साडे बंदा है खुदा उन्हें आख्या मैं सैयद हाँ दूजे उन्हें आख्या मैं गवाही देना उन्हें आख्या कि सैयद नहीं उन्हें आख्या सैयद उन्हें आख्या तो पता नहीं मेरे सामने बने मैं बनता वेखे ये बड़ी बदकिस्मती है झूठे सैयद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया तीन वईदा ने जेड़ा कि अपनी नसब बदलता है जात बदल लेंदा फरमाया अपनी मां नूं जानिया कहिंदा मां दे उत्ते किरदार ते शक कर फरमाया जन्मी है ते मलून है याद रखिया जे नबी दी निस्बत बड़ी शायद है मगर भावें जो भी होवे ना नबी दा गुलाम बन जाए ते दुनिया सलाम कर दिंदी सैयद दा यकीनन अपना बड़ा मकाम है मगर तू नबी दा गुलाम बन जाए ना ते इंज ना करिया कर उंज इज्जत लैनी है ते नबी दी गुलामी च मिला जांदी लेकिन मलून होना जन्मी होना ये कित्थों दा तरीका है लिहाजा नसब ना बदलो अपने बाप ते फखर करया करो को भावे जुतियां गंढदा होवे ना बाप दी इज्जत लिजिए प्यो नाल इज्जत जे ये तां मैं सही दसना पिया तो सामीने जी वकार अर्ज करना पिया जो बाप दी असल होवे औलाद दी जो बाप दी असल होवे औलाद दी असल हुंदी है हजरत के आदम अलैहि सलाम मिट्टी दे औलाद सारी मिट्टी दी याद रखना कुरान अंदर कद जाओकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन कुरान अंदर नबी ने फरमाया या जा फिरो इनल्लाह तआला खलक कबल अलशिया नूर नबी के मिन नूर ही सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अनहा फरमांदिया ने खारा ज मिन्नी नूर ओए आदम मिट्टी दे औलाद मिट्टी दी नबी नूर दे औलाद सारी मेरा नबी नूर औलाद सारी नूर दी है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बचाओ नूर का शादी है तुसी की प्यान दे नूर ते चमकदा है सैयद को बल देने सैयद को चमक देने मैं क्या तेनूं नहीं पता ओए आथ जेड़ी है मोहब्बत वाली होवे ते सैयद चमक दे रही देने ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੋਂ ਹੀ ਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਰਸੂਲ ਪਿਆਲੇ ਰਸੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਓਏ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵੀ ਚਪਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗਣ ਉਹ ਨੂਰ ਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਪਾਕ ਤੁਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਇਨਮਾ ਯੂਰੀਦੁਲਲਾਹੁ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਬਾ ਅੰਤੁਮ ਅਰ-ਰਿਜ਼ਾ ਅਹਲਲ ਬੈਤੀ ਵਯਤਕਿਆਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਦਰੀ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਦਰੀ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮਗਰ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵੈਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮਗਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾਦਰੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸੋਰ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਨਿਸਬਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਔਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੁਸੈਨੀ ਤੇ ਹਸਨੀ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਦੀ ਨੀ ਆਖਿਆ ਇਲਾਹੀ ਬਹਕੇ ਬਣੀ ਫਾਤਿਮਾ
इलाही बहुत में बनी फातिमा के बरतों दे ईमान कुनी फातिमा अगर दावत में रब कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल तेरे क्यों ना किए कट करना तू पल जा मिलके मेरे नारा को जरा पन तंडा मनन वाले सारे नबी दी आओ दा मनन वाले उच्ची मेरे नारा को कांड करना तू पल जानो ए मोड़ न बारा तो असी पंज तंड दे भी मनन वाले असी 12 दे भी मनन वाले असी ना लाफजियां ना खारजियां ना नासबियां असी आले सुन्नत सुभान अल्लाह कंड करना तू पल जा हुन मैं दो तीन तरीके नाल पढ़न लगा अपने कीदे दी वजह हवी हो जाए ओए कंड करना तू पल जा नो मोर ना बारा तो हुन दूजे तरीके नाल सुन लो कंड करना तू पल जा नो ते मोर ना चारा कंड करना तू पल जा नू मू मोड़ न यारा तो न चारा तो न बारा तो कंड करना तू पल जा नू ते मू मोड़ न सैयदा तो क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी पिछले भी भेजो हाथ चुक के मैं गल इस्तेमाल करने लगा एंड अपने हाथ बार कटो सज्जे एंड लहरा के जिड़ा नबी ते नबी दी आउल दा गुलाम है हाथ थल्ले जाए ना जुबान बंद होवे मैं दुआ करना मैं पर दुआ नहीं देंदा ए सजदा दूरस ते आए हो मैं पर दुआ नहीं देंदा मगर दुआ करना जिड़ा मेरे नबी दी आउल दा ऊंची जिगर करे क्या मते दिहाड़े मेरा नबी ओदे वास्ते ऊंची दुआ कर देवे ਉੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਏ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਹਨਮ ਦੀ ਕਲਿਆਲ ਤੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਹਨਮ ਦੀ ਕਲਿਆਲ ਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਲਮ ਤੇ ਮੁਤਨੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੋ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਹਨਮ ਦੀ ਕਲਿਆਲ ਤੇ ਗਲਿਆਲ ਤੇ ਮੁਕਨੀ ਏ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਹਨਮ ਦੀ ਗਲਿਆਲ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਬੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌ ਪੇਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੈਯਦ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸੈਯਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਪਏ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਮੇ ਕੋ ਕੇ ਇਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਡ ਲਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਲੋ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸੈਯਦ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਯਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਉਸ ਸੈਯਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਲੰਬੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨੀਆ ਯਾ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੈਯਦ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਸਦਕਾ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਖਿਰਾਤ ਸੈਯਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ 100 ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਪਰਦੇਸ ਤੋਂ ਜੈ ਜੇਬ ਕੱਤੀ ਜੈ ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਦਕਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਨਾ ਦਿਓ
गरीब बेवा सैयद जादी अल्लाह की कसम जिन्हों तू सैयद जादी तेन दुआ दे छी ना वेख नबी की धी तेरे कि राजी हो मेनू कोई सलाम करे पीरा कोई सलाम करे तो कोई वड्डी गल नहीं अल्लाह ने दुनिया च इज्जत दी है टैका दिता है माल दिता है चाहिए ते अगर नंगे पैरी हो जाता हो तेन पता लग जाए सही है तो फिर जाता सलाम कर जा फिर पता लगे तू नबी की आल का मन कोई ये ना वेखो दा काम कोई वेखो निस्बत नबी ना लेके उन सलाम करया करो नबी की आल को दुआ लिया करो तुरज करना पाया बड़े दाव पेच जानने वाला जो वक्त तय हो गया पूरा शहर कट्ठा हो गया इलाका कट्ठा हो गया वेखो अज जेड़ा की मंजर बन गए अज केड़ा जिन्हें जुनैद नु चैलेंज कबूल किया है वो सैयद जो मैदान में जुनैद बगदादी वो चौड़े चिड़े सारी दुनिया वे के हैरान हो गई कोई माड़ा जिहा बंदा इन्हें चैलेंज किवें कबूल कर लिया मगर उन्होंने हालत नु शायद कोई नहीं जानता सिर जुनैद खुलन लगे पहलवान जिवें हाथ मिलाते ने इंज पंजा मिलाते ने सैयद ने इंज हाथ फड़िया सैयद कहन लगे याद रखी जुनैद पहलवान तू है पहलवान मैं नहीं ताकत तेरे कोले ताकत मेरे कोल नहीं दाव पेज तू जानना है दाव पेज मैं नहीं जानता मगर मेनू पता है मैं हार जाने मेनू पता है मेरी कंड लग जानी है मेनू पता है मैं डिग पैना है मगर याद रखी ओए मेरी तोही ना करी मैं ज़हरा दा पुत्र हूं क्योंकि पहलवान जो जित देने पहलवान उदो फखर करते ने दूजे पहलवान की तजही करते ने उदी जिल्लत वेख के खुश होंदे ने सैयद ने हाथ मिला के आखिया ओ जुनैद ध्यान रखी मैं सैयद ज़ादा हां मैं नबी दी औल मैं अली दा पुत्र हां मैं सिंह दा ज़हरा बतूल दा पुत्र हां वेखी मैं हार ते जाना है डिग ते पैना वे मैं पहलवान नहीं तू सब कुछ जानना है मगर मेरी तौहीद ना करी मैं नबी दी औल हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला ले ऐसा चक्कर लांदियां लांदियां दिल विच ख्याल आया ओ जुनैद अज तक बड़े मुकाबले जीते अकल आंदी है जुनैद एवें ना करी हार जाएगा लोग तेनों की आखणगे इश्क कहंदा जुनैद ओए हार जाया जे हारिया जितिया चक्कर लांदे ने पै नाले सोची पै ने की करा आखिर इश्तगाल भी आया मेरे नबी दी मोहब्बत वाली भी आ गई आले रसूल दा इत्राम वाली आ गया आपने जेड़ा जुनैद बगदादी ने फरमाया ओए सैयद ज़ादिया मैं कुछ नहीं मांगदा क्या बंदे दिहाड़े जो नामे दे कोल जावे मेरी शफात कर दई मेनू दुआ दे दई अज जुनैद इस शर्त पे खेलूंगी पिया तुझसे मैं बाजी हारूं तो तुझे पालूं जीतूं तो मैं अज जुनैद जितन नहीं आया अज जुनैद हरन आया अज हार में चीजें तेरे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ले आपने चक्कर लांदिया लांदिया जो कुश्ती शुरू हो गई ओए जुनैद ने ओए सैयद ज़ादे नूं चुकिया चुक के सीने ते रखिया ने ताने देने शुरू कर दिते वे जुनैद खाता पीता आराम करते ही तू ते बड़ा वड्डा पहलवान है किने कोलो हार गया छोटा जिहा माड़ा जिहा बंदा मगर जुनैद डिगे होए ने लोकी ताने देंदे ने पै लोकी मेने देंदे ने पै जुनैद रोंदे ने पै ओ जुनैद अपनी हार तो रोए कहंदे ना ना ओ अज हार ते नहीं रोया ओ अज ते मेरी जित हो गई है अज मैं करम तो रोना पिया अज मैं फजल तो रोना पिया जुनैद दी
अग लगी हुई है, लोकी ताने देंदे ने पै, ओए बादशाह ने दरबार विचों कढ़ दिता, ओए इनाम वापस ले लै, सारे मरात वापस ले लिया, जुनैद अज तू शाही पहलवान नहीं रहा, ओहते वापस मिल ले, कुर्सियां वापस तुर गईया, जुनैद सिर झुकिया आयो है, अखा विच आंसू बह रहे ने, जुनैद घर जांदे ने पै, जाग बिस्तर ते सौंगे सरदार आ गए, यमुना दे लाल आ गए, सिद्दगी दा मुल पै गया, सिद्दगी दा मुल पै गया, ओ जुनैद ने देखिया खा बंदरी मामू लंबिया दी ज़ियारत हुंदी है पई, फरमाया जुनैद अगे दुनिया दा पहलवान सै, मेरी कसम दा इहतराम कीता ई, मेरे पुत्रां दा इहतराम कीता ई, मेरी सैयदा दा इहतराम कीता ई, मेरी यार दा इहतराम कीता ई, जा अगे दुनिया दा पहलवान सै, हुण तैनूं वलियां दा पहलवान बना, ओए कंड करना तू बन जा, क्यामत दा दिहाड़ा होवेगा, सवाने जो ते सूरज तांबे दी जमीन, नफसा नफसी दा आलम होवेगा, मां पुत्र नहीं संभालेगी, बाप पुत्रां नूं भुल जाणगे, ओए यारियां टुट जाणगियां, रिश्तेदारियां मुक जाणगियां, ओए जिहड़ा थड़े बरादरी किसे कम नहीं आउणा, नफसा नफसी दा आलम होवेगा, ओए जुबाना लकड़ी दी तरह खुश्क हो जाणगियां, कोई साया नजर नहीं आएगा, अचानक मैदान-ए-माशर दे अंदर एक छट्टा बुलंद होवेगा, ओ छट्टा मेरे नबी दा होवेगा, हथ मौला अली दा होवेगा, झंडा नबी दा हथ मौला, नहीं नहीं अली दा ना होली नहीं लेना, हथ चुको मेरे नाल झंडा नबी दा हथ मौला, अल्लाह दे फजल नाल ओए नबी दी याद दे नाल झंडे दे थल्ले जा के आखांगे, ओ नबी ते नबी दी याद दे मुनकिरो अज वेख लवो जन्नत ते जहन्नम दी गल गल याल ते मुकनी है मुकनी याद रखना इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा, दुनिया को अगर पाकीज़गी और तहारत चाहिए आओ नबी और नबी की आल के दर पे आ जाओ, मनो दस्त दा माने आले रसूल, इसके सिवा तेरे लिए कहीं नजात नहीं है, नबी के असहाब का एहतराम किया कर, नबी की आल का कमी बन के जीता रहे, अल्लाह हमें इसी पे मौत अता फरमाए, अल्लाह पाक उन सादात का साया जाए वो दर्जात मजीद बुलंद फरमाए, और उनके मुरीदीन मुहिब्बीन अकीदतमंद इरादतमंद जायरीन अल्लाह हर एक के आने वाले की सबसे पाक पे नेक मुराद पूरी फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको सरकार की गुलामी में जिंदा और इसी पे मौत अता फरमाए, अल्लाह पाक की बलाशाजी का साया तादेर सलामत फरमाए, इनको अपने बुजुर्गों के फैज को उसी तरह शान और शौकत के साथ जो है वो आगे उसी तरह पहुँचाने की मजीद बरकतें और तौफीक अता फरमाए। Oh, my.